38 साल पहले बड़े पर्दे पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया। यूपी के छोटे से शहर जौनपुर में गढ़ी गई इस फिल्म की कहानी तो काफी सिंपल थी, लेकिन इस फिल्म ने सबके दिलों में एक जगह बना ली। हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 1982 को रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार की। वैसे तो इस फिल्म का हर कलाकार शानदार था, लेकिन गुंजा का किरदार निभाने वाली साधना सिंह की मासूमियत लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनके फैंस आज भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ है साधना और आजकल क्या करती है। बहुत लोग आज भी उस वजह से अनजान हैं जिसकी वजह से गुंजा यानी साधना ने बॉलीवुड जगत से दूरी बनाई। आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले साधना की शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। नदिया के पार अपनी बेहतरीन अदाकारी से आज तक याद की जाने वाली साधना सिंह कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वो तो बस अपनी बहन के साथ किसी फिल्म की शूटिंग देखने आई थी, तभी साधना पर सूरज बढ़ जात्या की नजर पड़ी और उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए साधना को चुन लिया। पहली ही फिल्म में साधना सिंह को लोगों ने इतना पसंद किया कि उस दौर में लोग अपनी बेटियों का नाम गुंजा रखने लगे थे। जौनपुर के जिस गांव में इस फिल्म की शूटिंग हुई, वहां से शूटिंग के बाद जब साधना वहां से जाने लगी तो पूरे गांव वाले रोने लगे थे। नदिया के पार के बाद साधना उस दौर के निर्देशकों की पहली पसंद बन गई। उन्होंने ससुराल, तुलसी, औरत और पत्थर जैसी कई फिल्मों में काम किया। साधना ने बहुत से हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन लोग तब सोचने पर मजबूर हो गए जब इन्होंने अचानक बॉलीवुड जगत से दूरी बना ली। एक इंटरव्यू में साधना ने इनका जवाब देते हुए कहा कि मुझे मेरी पसंद की फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे थे। मैं अपनी गुंजा वाली इमेज दर्शकों के बीच बनाए रखना चाहती थी, इसलिए मैं उसी तरह के रोल करना चाहती थी, लेकिन मेरी पसंद की फिल्में मुझे नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने बॉलीवुड से किनारा कर लिया और अपनी गृहस्थी में वक्त देना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साधना एक बेहतरीन अभिनेत्री तो थी ही, साथ में वो एक बेहतरीन गायिका भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं। साधना 2016 में फिल्म जुगनी में नजर आ चुकी हैं। अब वो अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश है और पर्दे के पीछे रहना ही पसंद करती है। आज बेशक उम्र के बाद उनकी खूबसूरती और मासूमियत खत्म हो चुकी है, लेकिन आज उनकी एक बेटी है जो अपनी माँ की तरह ही बेहद खूबसूरत दिखती है। साधना की आज की तस्वीरें देखकर उनके फैंस ये पहचान ही नहीं पाए थे कि ये वो ही साधना है जिन्होंने फिल्म नदिया के पार में गुंजा का किरदार निभाया था। दोस्तों, आपको साधना की कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है, उस फिल्म का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।